इस वक्त आप लोग आवाज सुन सकते हैं यहाँ पर मेरे माइक में अगर रिकॉर्ड हुआ आवाज तो उस वक्त मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें मजीद यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ऐसे पुरस्कार स्कूल में मौजूद हूँ जो तकरीबन 100 से 150 साल पुराना स्कूल है। इस स्कूल में बयक्त वक्त 10 से 12 बच्चों की अमवात वाकई हुई। उन बच्चों की रोने की और खेलने की आवाजें आती हैं, कभी शोर की आवाज आती है, कभी चीखों पुकार की आती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, शीशे टूट रहे हैं, छतें टूट रही हैं। कुछ बच्चों की आवाज़ें आती है, चीखने की, शोर मचाने की है, कभी कभी शोर शराबे की आवाज़ आती है। अजीब सा समय है, मुझे कुछ आवाज़ें भी इस टाइम के मगरिब हो रही है और मजीद यहाँ पर रुकना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज मैं शहर कायद के एक ऐसे पुरस्कार स्कूल में मौजूद हूँ जो तकरीबन 100 से 150 साल पुराना स्कूल है। ये स्कूल ब्रिटिश दौर का बना हुआ है। इसी स्कूल में कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़या पेश आया जिसके बाद इस स्कूल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस स्कूल में बयक्त वक्त 10 से 12 बच्चों की अमवात वाकई हुई। आखिर ये मामला क्या है? क्या ये वाकई हकीकत है? क्या आज भी इस स्कूल में उन बच्चों की रोने की और खेलने की आवाज़ें आती हैं? ये सारी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस स्कूल के गार्ड जो पिछले 30 से 35 सालों से इस स्कूल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से क्या वाकयात देखे और इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई यहाँ पर आज भी उन बच्चों के असरात मौजूद है? आइए जानते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे क्या मामलात हुए हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? क्या आज भी यहाँ पर जो है ना असरात की जो है ना वो शिद्दत है? क्या मामला हुआ था आज से 100-150 साल पहले? यहाँ इधर से जो बच्चे मरे थे ना 10-12 बच्चे, तो उनकी कभी कभी आवाज़ें आती सुनाई दिया मेरे को, समझे? तो इस वजह से ये कभी शोर की आवाज़ आती है, कभी चीखों पुकार की आती है, इसलिए हम लोग घबरा गए। और उन बच्चों की मौत, ये जहाँ पे आप बता रहे हैं 10-12 बच्चों की मौत यहाँ वाकई हुई थी, क्यों, क्या वजह बनी थी, किस तरह उनकी मौत हुई? बस वो समझ में नहीं आया ना, वो ऊपर से गिरे थे बच्चे, गिर के मर गए थे। आज भी वही हाल है ना, कभी कभी आवाज़ें आती हैं चीखों पुकार की, शोर मचाने। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ की चौकीदारी करते हुए? मेरे को हो गए 30-35 साल हो गए। आपने अपनी आंखों से यहाँ पे क्या क्या देखा? बस मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, शीशे टूट रहे हैं, छतें टूट रही हैं। और किस तरह के रात के वक्त भी देखा है या दिन के वक्त भी इस तरह के असरात होते हैं? दिन में मैंने एक दो बार देखे थे। इस वक्त हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं और तसर जी बताइएगा कि क्या आपने जो है ना यहाँ पे जब आए हैं तो आपने क्या महसूस किया, क्या क्या देखा है आपने इस जगह पर? कभी दीवार के शीशे टूट रहे हैं, कभी खिड़कियों के टूटे हैं, कभी ऊपर के, कभी नीचे के, ये टूटते हुए मैंने देखे थे। आवाज़ें किस तरह की आती हैं? बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं या किसी कोई खौफनाक आवाज़ें आती हैं? बस कुछ बच्चों की आवाज़ें आती है, चीखने की, शोर मचाने की है, कभी कभी शोर शराबे की आवाज़ आती है, जैसे भाग रहा है, कुछ शोर मचा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक दफ़ा के एक बच्चे भागता हुआ जा रहा है, उसके पीछे 2-3 और बच्चे भाग रहे हैं, तो वो एक ने गिरा है तो दूसरे को पता नहीं क्या हुआ, वो भी 2-3 बच्चे दीवार से कूद के नीचे गिर गए। तो फिर मैं घबरा के ना फिर मैं निकल गया था, चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब भी मैं इधर आता था भाई शोर मचाने की और चीखने की आवाज़ आती। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको जो यहाँ के क्लासरूम वगैरह जो बने हुए हैं वो आपको पूरा दिखाते हैं आगे चल के। ये जो है ना, ये सारे क्लासरूम्स यहाँ पर लाइन से बने हुए हैं और एक अजीब सा माहौल है यहाँ पे, एक अजीब सा खौफ है इधर, एक अजीब सी वहशत तारी हुई हुई है इस जगह पर, क्योंकि जब यहाँ के मामलात सुने और जो वाकया यहाँ पर हुआ है वो सुना, अभी भी कुछ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे अलावा और मेरे साथ ही कैमरामैन के अलावा यहाँ पर कोई और मौजूद है, इस बात को मैं महसूस कर सकती हूँ।
आगे चलते हैं, आपको जो है वो दिखाते हैं। आज भी जो है वो कुछ सामान इस जगह पर मौजूद है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये डेस्क जो है यहाँ पर मौजूद है, चेयर्स मौजूद हैं, और काफ़ी सामान जो है वो नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर एक अजीब सी जो है ना वाइब्स महसूस हो रही हैं, और एक अजीब सा समय है। मुझे कुछ आवाज़ें भी इस टाइम क्योंकि मगरिब हो रही है, और मज़ीद यहाँ पर रुकना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगा। कुछ ऐसी आवाज़ें जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों की गुजरने की, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ। जब अगर कोई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सुनने की कोशिश करेगा, महसूस करने की कोशिश करेगा, तो उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ही इस जगह पर असरात मौजूद हैं। इस वक्त आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पर, मेरे माइक में अगर रिकॉर्ड हो आवाज़, तो इस वक्त मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें मज़ीद यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए।